खबर स्टेशन में आपका स्वागत है। भारत में भूख एक गंभीर समस्या है। 119 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 3 पायदान नीचे खिसक कर 100 स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 97 पायदान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2017 के मुताबिक इस मामले में भारत उत्तर कोरिया, बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों से भी पीछे है, लेकिन पाकिस्तान से आगे है। इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IFPRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्चों में कुपोषण की उच्च दर से देश में भूख का स्तर इतना गंभीर है और सामाजिक क्षेत्र को इसके प्रति मजबूत और प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है। पिछले वर्ष भारत इस सूचकांक में 97 स्थान पर था। IFPRI ने एक बयान में कहा कि 119 देशों में भारत 100वें स्थान पर है और समूचे एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान उससे पीछे हैं। उन्होंने कहा कि 31.4 स्कोर के साथ भारत का साल 2017 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स अंक ऊंचाई की तरफ और गंभीर श्रेणी में है। ये उन मुख्य कारकों में से एक है जिसकी वजह से दक्षिण एशिया इस साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस सूचकांक में चीन 29वें नंबर पर है, नेपाल 72, म्यांमार 77वें नंबर पर, श्रीलंका 84 और बांग्लादेश 88 नंबर पर है। यानी भारत इन पड़ोसी देशों से भी पीछे है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्रमशः 106 और 107वें स्थान पर हैं। खबर स्टेशन की रिपोर्ट।